तो उधर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा झारखंड मंत्रालय सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम में मनरेगा अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला मेट और महिला लाभार्थियों को सम्मानित किया, जिसका जायजा लिया सहयोगी जयश्री ने। झारखंड मनरेगा योजना के तहत महिला ग्रुप को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें मुख्य उन महिलाओं से बात करते हैं जिन्हें सम्मानित किया गया और हमारे मंत्री जी से भी हम बात करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा मनरेगा में तीन महिलाओं को जो आप लोग को सम्मान मिला है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जो हम लोग जो मनरेगा जिस समय नहीं था, नहीं चालू, 2017 से हम मनरेगा काम शुरू करना किए, उस समय से हम लोग गांव का जो आधा मतलब 100% में 50% जाते थे बाहर पलायन करने बच्चा सब लेके। जिस समय से मनरेगा में काम करने लगे उसके बाद हम गांव में समझाने लगे कि बच्चा लेके आप लोग जाते हैं बाहर, पढ़ाई लिखाई बच्चा का बाधित होता है, तो मनरेगा जब खुला है तो काम कीजिए, मनरेगा ने पैसा जाएगा, आप लोग घर गाँव में ही रह के अच्छा से परिवार चला सकते हैं कह के। जिस समय हम नहीं करवाते थे उस समय बहुत मतलब क्या बोले, अभी 100% नहीं 25% भी नहीं जाते हैं गांव का आदमी पलायन के लिए, तो हम बहुत खुश हैं मनरेगा से। कुछ और लोगों से बात करते हैं, मनरेगा के ओर से आपको क्या क्या लाभ मिला थोड़ा हमसे बताइए। मनरेगा से हमको बहुत सारा लाभ मिला। अभी हम दीदी बाड़ी योजना में काम कर रहे हैं और दीदी बाड़ी योजना का लाभुक भी हैं, तो उससे हमको ताज़ा सब्जी मिल रहा है, ताज़ा खाने के लिए मिल रहा है। कोरोना काल में हम लोग को सब्जी वगैरह नहीं मिल रहा था, अभी हम लोग दीदी बाड़ी योजना के तहत से हम लोग को सब्जी उस समय दूसरा को भी दिए, खुद भी खाएं। और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग महिलाओं को बाज़ार जाने में दिक्कत होता था, तो सब्जी के लिए भी दिक्कत होता था, अभी खुद से करते हैं हम लोग, तो हम लोग को सब्जी के लिए दिक्कत नहीं होता है, हम लोग अच्छा से आप खुद करते हैं खुद खाते हैं। मनरेगा के ओर से आपको मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया, आप इस पर क्या अनुभव? मनरेगा तहत से आज हमको सम्मान मिला, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। एक समय ऐसा था कि हमको लगा था कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जो भी मेरा बीता हुआ या गुजरा हुआ पल में हमको बहुत आगे जाने के लिए सीख दिया। आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की में जुड़ के आज हम जाके अपना घर परिवार को सही रूप और सही जगह पर ले जाने में मदद मिल रहा हमको। पहले कार्यक्रम हम लोग रखे थे आप महिला दिवस के शुभ अवसर पर 8 तारीख को, तो विधानसभा चल ही रहा था इसलिए हम लोग उसको एक्सटेंशन किए थे 12 तारीख को। और महिला सशक्तिकरण जो बात हम करते हैं और हमारी विभाग विशेष करके मनरेगा के तहत GSLPS के तहत महिला को आगे बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण करने के लिए उसके आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक जीवन में बदलाव के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। और आज ये कहा जा सकता है कि ये JSLPS के माध्यम से जब विगत दिनों में महामारी यहाँ पर फैला हुआ था तो लोगों को जोड़ने के लिए, रोजगार देने के लिए और जॉब कार्ड देने के लिए, या जो भी लोग बाहर से आते थे अगर कोई उस तरह का सिम्टम था उसको सूचना देने के लिए ये महिला सखी मंडल ही बहुत अच्छी काम की थी। तो एक भागीदारी उसका सुनिश्चित जो पहले हमने किया था और उसको भी रिव्यू हम लोग बार बार करते हैं कि हम लोग मनरेगा में उसका करीब करीब लगभग 60-40 रेशियो में आज महिला काम कर रही है। तो जिस तरह से आपने महिलाओं की बातें सुनी जिन्होंने मनरेगा के तहत लाभ मिला था, उनका कहना है कि मनरेगा के तहत उन्हें बहुत सहायता मिली है, उन्हें स्वरोजगार मिला है, वह स्वावलंबी बनी हैं। और हमारे मंत्री जी का भी कहना है कि वह महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और आगे भी महिलाओं से जुड़ी योजनाएँ लाएंगे। रांची से कैमरामैन तपेश के साथ जयश्री, रफ्तार मीडिया।